हेलो क्लास नाइन, चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर जो हम अभी पढ़ रहे हैं। और आज हम इसका 2.1 पार्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, किस तरह से हिटलर ने जर्मनी में डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया या नष्ट कर दिया। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हाइडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप द हाइएस्ट पोजिशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स टू हिटलर। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडनबर्ग ने चांसलरशिप, आपको पता है ना कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बोलते हैं, जर्मनी में चांसलर बोलते हैं, है ना, हमारे यहाँ जो हाइएस्ट पोस्ट होती है उनको प्रेसिडेंट कहा जाता है, जबकि जर्मनी में चांसलर बोला जाता है। तो ये चांसलरशिप जो थी उन्होंने क्या किया, हिटलर को जो कि हाईएस्ट पोजीशन होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स में, वो हिटलर को ऑफर कर दिया। बाय नाउ द नाजीज हैड मैनेज्ड टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। और अब तक तो नाजी जो थे वो कंजर्वेटिव्स के ऊपर काफ़ी हद तक हावी हो चुके थे। हैविंग एक्वायर्ड पावर, अब जब ताकत मिल गई थी, हिटलर सेट आउट टू डिमांड द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। और तब हिटलर ने कहा कि भाई डिसमेंटल, सॉरी, हैविंग एक्वायर्ड पावर हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। और जब ताकत हाथ में आ गई तो हिटलर ने कहा कि भाई अब तो हम जो डेमोक्रेटिक या जो प्रजातांत्रिक शासन है इसको हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। डिसमेंटल मतलब कि ख़त्म कर देना, तोड़ फोड़ देना कोई भी चीज़ को, है ना। तो यहाँ पर तो तोड़ फोड़ नहीं होगा, यहाँ पर तो होगा कि उस जो स्ट्रक्चर था डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर उसको ख़त्म कर दिया। mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move। और एक और बहुत ही रहस्यमय तरीके से जर्मन पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में आग लग गई थी, इससे क्या हुआ कि हिटलर का काम और भी आसान हो गया था। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 इनडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविक राइट लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस एंड असेंबली दैट हैड बीन गारंटीड बाय द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आग जो लगा ना, ये हिटलर के लिए वरदान हो गया। और उसने क्या किया, फायर डिग्री, एक जो रूल होता है वो उसने निकाला, और 28 फरवरी 1933 को, जिसमें उसने क्या किया कि जनता के सभी अधिकारों को, जो सिविक राइट होती हैं जिसमें बोलने का अधिकार होता है, प्रेस को जो कुछ भी घटना हो रही है देश में उसको छापने का अधिकार होता है अखबारों में, और असेंबली यानी कि लोगों के इकट्ठा होने का अधिकार होता है, ये वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसने ये सब अधिकार जनता को दिए थे। हिटलर को बस मौका मिल गया ये इन सभी को सस्पेंड करने का, ख़त्म करने का। सस्पेंड मतलब होता है कि टेम्प्रेरीली ख़त्म करने का, उस समय तो उसने यही दिखाया कि वो टेम्प्रेरीली ख़त्म कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है। देन ही टर्न ऑन हिज आर्च एनिमीज, और उसके बाद वो अपने दुश्मनों की तरफ उसने अपनी नज़र दौड़ाई। द कम्युनिस्ट, सबसे बड़े दुश्मन तो कम्युनिस्ट थे, मोस्ट ऑफ होम वर हरिडली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली एस्टैब्लिश कंसंट्रेशन कैम्प। सबको पकड़ के क्या किया गया, उसकी उनकी पैकिंग की गई और सीधा कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया। अभी हम लोग आगे कंसंट्रेशन कैंप के बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पर किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार होता था। वैसे न्यू वर्ल्ड में आपके दिया हुआ है कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है। ए कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड, उसमें एक कैंप था जहाँ पर लोगों को आइसोलेट करके, मतलब अलग करके रखा जाता था। डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और इनको ना बिना कानून, बिना नियम को देखे हुए, बिना कानून को फॉलो किए हुए इनको पकड़ कर बंद कर दिया जाता था। टिपिकली इट वॉज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रीफाइड बार्ब वायर फेंसेज, और ये जगह जो होती थी ना चारों तरफ जो है वो बिजली के वो तार लगे होते थे जिसपे करंट बहता था, यानी लाइव वायर से उस एरिया को घेरा हुआ रहता था कि अगर आप निकलने की कोशिश वहाँ से करो या भागने की कोशिश करो तो करंट लग जाए और आपकी मृत्यु हो जाए, आप भाग ना सको, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, इन कंसंट्रेशन कैंप में उन लोगों को भेज दिया गया।
द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वर सीवियर, और उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो बहुत ही सीवियर, एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही कड़ा व्यवहार उनके साथ किया गया, बहुत ही बुरा और कड़ा व्यवहार हुआ, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल सख्त व्यवहार, वैसा सख्त व्यवहार उनके साथ किया गया। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डिसेल्डॉर्फ, अ स्मॉल सिटी ऑफ हाफ अ मिलियन पॉपुलेशन, 1,440 वर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन। अब आप देखो कि ये जो 6,808 लोगों का एक छोटा सा शहर था डिसेल्डॉर्फ, छोटा शहर था, वहाँ पर करीब आधा मिलियन लोग रहते थे, इसमें 1,440 लोग जो थे वो कम्युनिस्ट थे। देवर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप ऑफ विक्टिम प्रोसिक्यूटेड बाय नाजीज अक्रॉस द कंट्री। और ये तो एक तरीका था जिसमें करीब 52 तरह के विक्टिम थे जिनको मृत्युदंड नाजी लोगों ने दिया था, ये तो शुरुआत थी इनकी, है ना। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। उसके बाद क्या हुआ, 3 मार्च 1933 को एक बहुत ही फेमस इनेबलिंग एक्ट पास किया गया। दिस एक्ट एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। ये इनेबलिंग एक्ट क्या था, इससे क्या हुआ कि जर्मनी में डिक्टेटरशिप स्थापित हो गया। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह, है ना, तो डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जर्मनी में डिक्टेटरशिप या तानाशाही स्थापित हो गई। इट गेव हिटलर ऑल पावर टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। और ये जो डिक्टेटरशिप होने के कारण क्या हुआ, हिटलर को सारा पावर, हाँ, पार्लियामेंट को किनारे करके सारा पावर उसने अपने हाथ में ले लिया, और बाय डिक्री को, रूल बाय डिक्री मतलब हम जैसा ऑर्डर करेंगे उस तरह से आपको चलना पड़ेगा, देश को चलना पड़ेगा, ये उसने नियम बना लिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। और सभी पॉलिटिकल पार्टी को और जितने ट्रेड यूनियन होते हैं उन सबको बैन कर दिया गया, सिर्फ नाजी पार्टी और उसकी सहायक पार्टियां ही रह गई थी, बस उन्हीं को छोड़ा गया। नाजी पार्टी तो खुद उसकी अपनी पार्टी थी, और एफिलिएट्स मतलब जो नाजी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उन लोगों को छोड़ दिया गया। द स्टेट इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशियरी। और इस तरह से क्या हुआ, हिटलर ने सभी को अपने हाथ में ले लिया, सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया, चाहे देश की आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे मीडिया हो, या आर्मी हो, या जुडिशियरी हो, सब कुछ इनके हाथ में था। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर कैरिड टू कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ सोसाइटी इन द वे दैट द नाजी वॉन्टेड। उसके बाद अलग तरह से सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेज बनाए गए, जिनका काम था कि समाज में देखो कि सभी जैसा उसी अनुसार चल रहे हैं ना, जैसा नाजी पार्टी चाहती है, यानी जैसा हिटलर चाहता है। Apart from the already existing regular police in green uniform, the SA or the storm troopers, these included the Gestapo, secret state police, and the SS, the protection squad, criminal police, and the security service SD. अब इसमें क्या था कि रेगुलर पुलिस तो होती थी ग्रीन यूनिफॉर्म में, इसके अलावा स्टॉर्म ट्रूपर्स और उस गेस्टापो, सीक्रेट स्टेट पुलिस, एसएस द प्रोटेक्शन स्क्वाड, फिर क्रिमिनल पुलिस, द सिक्योरिटी सर्विस, ये सब अलग से स्थापित किया गया ताकि जिसको मर्जी आए, जहां मर्जी आए वहां उनको पकड़ लिया जाए, ठीक है। इट वॉज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्सेज दैट गेव द नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। और यही कारण है कि जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान से भी ऊपर जो पावर इनको दिया गया था इस पुलिस फोर्स को, इतने तरह के पुलिस फोर्स को, इसलिए नाजी स्टेट को ये रेपुटेशन मिल गई थी कि सबसे खतरनाक क्रिमिनल स्टेट ये है।
पीपल कुड नाउ बी डिटेन इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर, लोगों को जब मर्जी आए जब भी गिरफ्तार किया जा सकता था, उन्हें गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर में बंद किया जा सकता था, एंड राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैम्प, और उसके बाद वहाँ से उनको कंसंट्रेशन कैम्प में भेजा जा सकता था, डिपोर्ट एट विल, अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी आए वह सरकार चाहे वहाँ भेज सकती थी, और द अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर, और गिरफ्तारी हो सकती थी बिना किसी कानूनी व्यवस्था को देखे हुए। यानी कि देखो आप आज अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है ना, तो क्या होता है, सबसे पहले 24 घंटे के अंदर पहले कोर्ट में बताना पड़ता है कि हाँ इस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कुछ भी लीगल प्रोसीडिंग था ही नहीं। द पुलिस फोर्सेज एक्वायर्ड पावर टू रूल विथ इम्प्यूनिटी, और पुलिस फोर्सेज को इतनी ताकत मिल गई थी कि बिना किसी रुकावट के वो बड़े आराम से शासन अपना, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से रिकंस्ट्रक्शन पार्ट पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सकें, और कहीं कुछ ऐसा पार्ट जो आपको नहीं समझ में आया हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और साथ ही साथ एक बात और हुई है कि जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं इसका MCQ बनाकर डाल दूंगी ताकि आप आसानी से MCQ भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये न सिर्फ आपके फाइनल एग्ज़ाम में काम आएगा बल्कि PT में भी जो होता है पीरियोडिक टेस्ट उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, MCQ। तो आप तैयारी करके रखेंगे, अपनी कॉपी एक बना लेंगे, उसमें नोट डाउन करके सभी MCQ को रखेंगे, तो फाइनल एग्ज़ाम में भी आपको स्कोरिंग में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन ये चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद मैं वो MCQ तैयार करूँगी। थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर से याद दिलाती हूँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।